हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसको मैंने बिना फ्राई किए हुए और गेहूं के आटे से बनाया है। लेकिन टेस्ट में ये उतनी ही कुरकुरी और उतनी ही टेस्टी है जितना आप इसको फ्राई करके बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। पहले हम कचौड़ी का आटा लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। अब इसमें 2 चम्मच में देसी घी डाल रही हूँ मोन के लिए। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे और 1 पिंच में इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को इस तरह हम हाथ से क्रश कर लेंगे। अब इसको क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। डो बिल्कुल हमें वैसे ही सॉफ्ट लगाना है जैसे हम नॉर्मली खस्ता कचौड़ी आटे से या मैदा से बनाते हैं, तो वैसे ही हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा लेना है। और अब इसको हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। और तब तक हम आलू की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। पैन में हम 2 छोटी चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो ऑयल का यूज़ कर लीजिए। अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा अच्छे से भुन जाएगा। फिर हम इसमें 1 पिंच हींग डालेंगे। अब इसमें 1 से 2 चम्मच कटे हुए काजू, इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। 1 चम्मच इसमें हम किशमिश ऐड करेंगे और 1 से 2 चम्मच हम हरी मटर डालेंगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें बॉईल किए हुए आलू ऐड करेंगे, 1 से 2 हरी मिर्च कटी हुई। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, तो उसके लिए 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिए। और 1/2 टीस्पून इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्टफिंग रेडी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, कचौड़ी की स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम अपनी खस्ता कचौड़ी रेडी करेंगे। आटा देखिए हमारा अच्छे से सेट हो गया है और स्टफिंग भी ठंडी हो गई। तो चलिए अब कचौड़ी रेडी करते हैं। तो इसके लिए एक बार आटे को हम फिर से इस तरह थोड़ा सा और मल लेंगे जिससे ये अच्छे से बिल्कुल चिकना हो जाए। तो ये देखिए, अब इसकी हम छोटी छोटी सी इसकी लोई बना लेंगे। जितनी बड़ी आपको कचौरी बनानी हो उतनी बड़ी आप लोई बना लीजिए। तो ये देखिए, मैंने एक स्मॉल साइज का ये एक बॉल बना ली है। इसी तरह हम सारी ये आटे की छोटी छोटी टिक्की बनाकर रख लेंगे। और अब हम इसमें स्टफिंग करते हैं। तो इसके लिए हम एक लोई लेंगे और हाथ से इस तरह इसको राउंड करते हुए थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे और इसके सेंटर पर हम 1 चम्मच ये स्टफिंग रख देंगे। और इसको अच्छे से हम इस तरह कवर कर देंगे। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसको हम और राउंड कर लेंगे जिससे अच्छे से बिल्कुल राउंड शेप में आ जाए। तो ये देखिए, मैंने एक खस्ता कचौड़ी रेडी कर ली है। तो इसी तरह हम सारी खस्ता कचौड़ी को रेडी कर लेंगे। सारी कचौड़ी रेडी है और अब हम इसको अप्पे पैन में फ्राई करेंगे। अप्पे पैन को पहले हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और उसके ऊपर हम इस तरह ब्रश से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और अब सारी कचौड़ी को हम एक एक करके इसमें रख देंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम ब्रश से ऑयल लगा देंगे। और अब इसको कवर करके हम पहले 5 से 6 मिनट के लिए इसे सिकने देंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट के बाद अब हम सारी कचौड़ी को इस तरह पलट देंगे। और इसको हम फिर से कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए सिकने देंगे। इसी प्रोसेस को फ्रेंड्स हमें 3 से 4 बार रिपीट करना है, जब तक कि हमारी खस्ता कचौड़ी अच्छे से ब्राउन कलर में आ जाती है और अच्छे से अंदर तक सिक जाती है, तब तक हमें इसको 2-3 बार इस तरह रिपीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमारी जो खस्ता कचौड़ी है ये रेडी हो गई है और देखने में भी कितना अच्छा सा इसका ब्राउन कलर आया है। हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये है हमारी आलू की खस्ता कचौड़ी और ये देखिए फ्रेंड्स ये कितनी खस्ता बनी है और बिल्कुल अंदर तक अच्छे से सिक गई है। तो ये है हमारी आटे की बिना फ्राई किए हुए आलू की खस्ता कचौड़ी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।